नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमृत भारत एक्सप्रेस की, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अमृत भारत ट्रेन की बात करेंगे हम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी दो अमृत भारत ट्रेन लॉन्च किया, एक आनंद विहार से दरभंगा और दूसरा मालदा टाउन से बेंगलोर। तो जो आनंद विहार से दरभंगा जाने वाली ट्रेन है वाया अयोध्या जाएगी, और अयोध्या से ही प्रधानमंत्री जी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो आइए और हम अमृत भारत के बारे में बात करते हैं। तो जो दो ट्रेन लॉन्च किया गया है आनंद विहार से दरभंगा और मालदा टाउन से बेंगलोर, तो पहला जो आनंद विहार से दरभंगा वाली ट्रेन है, जो आनंद विहार से दरभंगा की तरफ जाएगी, वो मंगलवार और शुक्रवार को जाएगी। जो दरभंगा से आनंद विहार आएगी वो सोमवार और वीरवार को आएगी, यानी कि मंडे और थर्सडे। और जो आनंद विहार से दरभंगा जाने वाली वो ट्यूजडे और फ्राइडे को आएगी। जो मालदा टाउन से बेंगलोर जाने वाली ट्रेन है वो सिर्फ संडे को चलेगी। जो बेंगलोर से मालदा टाउन आने वाली ट्रेन है वो सिर्फ मंगलवार को चलेगी। अब इसकी खूबी की बात कर ले, क्या फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशल क्या है इस ट्रेन में। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि ये जर्क फ्री ट्रेन है, इसमें कोई एसी बोगी नहीं है, सिर्फ स्लीपर और जनरल कोचेज होंगे। टोटल 22 बोगीज होंगी इसमें, जिसमें 12 स्लीपर, 8 जनरल, 1 पार्सल और एक ब्रेक कोच, जिसको गार्ड कोच भी आप बोल सकते हैं। यह है, और इसमें मोबाइल चार्जिंग की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, एलईडी लाइटिंग है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसके साथ में 6 वंदे भारत ट्रेन भी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। अब हम बात करेंगे इसके टिकट की, टाइमिंग की, रूट की, कितना पैसा लगेगा टिकट बनाने में, इसकी बात करेंगे। तो जो आपको वंदे भारत ट्रेन से अलग कैसे है, ये देखिए आप, अमृत भारत ट्रेन का जो आपके पास टिकट आएगा, जो आप टिकट लेने जाएंगे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे अमृत भारत ट्रेन का टिकट चाहिए, और उस टिकट के ऊपर अमृत भारत लिखा हुआ आएगा। अब इसकी बात करते हैं हम आपको रूट टाइमिंग की। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, जो अमृत भारत ट्रेन है ये जो आनंद विहार से और दरभंगा के बीच चलेगी वाया अयोध्या, इसका जो टाइमिंग आनंद विहार से 3:10 पे और नेक्स्ट डे 11:50 पे ये दरभंगा पहुँच जाएगी। इसके फेयर की बात कर लें तो जो नॉर्मल ट्रेन का फेयर है मेल एक्सप्रेस का, उससे थोड़ा ज़्यादा इसका टिकट प्राइसिंग है। जो नॉर्मल ट्रेन में जैसे आपको लगता है ₹540 इसका टिकट प्राइस है, ₹600। नेटवर्क स्लो होने की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये इसका रूट है, आनंद विहार चलने के बाद अलीगढ़, टुंडला, इटावा, कानपुर, लखनऊ होते हुए अयोध्या पहुंचेगी 1:10 पे रात को। उसके बाद मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, कप्तानगंज, बगहा, नरकटियागंज, रक्सौल, घोड़ासहन, बैरगिनिया, सीतामढ़ी, जनकपुर रोड, कमतौल होते हुए दरभंगा पहुंचेंगी अगले दिन 11:50 पे। तो ये तो हो गया आपका जो आनंद विहार से दरभंगा वाली ट्रेन है उसका रूट और टाइमिंग। सेम ऐसे ही आपको मैं बताऊं तो जो दरभंगा से आनंद विहार जाने वाली ट्रेन है ये भी ऐसे ही, यही रूट है इसका। टाइमिंग की बात की जाए इसकी,
तो टाइमिंग थोड़ी सी अलग है। ऐसे ही दरभंगा से आनंद विहार जाने वाली जो ट्रेन है वो चलेगी मंडे और थर्सडे को, उसका टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ। ये चलेगी दरभंगा से दिन के 3 बजे, शाम के 3 बजे बोलिए, दिन के 3 बजे बोलिए, और अगले दिन ये 12:35 पे आनंद विहार पहुँचेगी। फेयर इसका भी वही रहेगा कि नॉर्मल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जो नॉर्मल में लगता है 540 रुपये, इसमें लगेगा आपको 600 रुपये। रूट भी इसका वही रहेगा जैसा कि आपने बताया था हमने, दरभंगा से वह सीतामढ़ी घोड़ा सहन रक्सौल नरकटियागंज होते हुए अयोध्या पहुँचेगी सुबह के 2:30 पे, और ये अगले दिन 12:35 पे पहुँच जाएगी आनंद विहार। अब दूसरी जो ट्रेन हमने आपको बताया था, जो हमारा मालदा टाउन टू बेंगलोर, जो दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस है, उसका क्या टाइमिंग रहेगा, कितने बजे चलेगी, क्या फेयर होगा उसका, वो उसके बारे में हम बात करेंगे अब। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इसको अमृत भारत को मालदा टाउन से बेंगलोर पहुंचने में लगेंगे 42:10, और जो इसका टिकट का प्राइस रहेगा वो 925 रुपये रहेगा। साथ में इसके रूट की हम बात कर लें तो मालदा टाउन से न्यू फरक्का जंक्शन, रामपुर हाट, बोलपुर, बर्धमान, दंकुनी होते हुए ये खड़गपुर जंक्शन होते हुए ये बालासोर, सोरू, कटक, भुवनेश्वर, उड़ीसा होते हुए ये पहुँचेगी SMBT बेंगलुरु तीसरे दिन सुबह के 3 बजे। अरे ऐसे ही हम बात कर लें जो बेंगलोर से चलेगी ट्रेन मालदा टाउन तक, वो चलेगी सिर्फ मंगलवार को। फिर तो उसका वही रहेगा, जहाँ तक टाइमिंग की बात है तो मैं आपको बताता हूँ कि उसका क्या टाइम रहेगा। 1:50 पे बेंगलोर से चलेगी दिन के 1:50 पे, और 11 बजे दिन को ये पहुँच जाएगी मालदा टाउन, मतलब तीसरे दिन। एक दिन तो पूरी ये ट्रेन चलेगी, जिस दिन चलेगी उसके अगले दिन तो पूरी चलेगी, और उसके अगले दिन ये पहुँचेगी मालदा टाउन, मतलब 45:10 टाइम का इसको लगेगा। बेंगलोर चलने के बाद एक कटपटी जंक्शन, गोडूर, नेल्लोर होते हुए, रूट तो दोनों ही ट्रेनों का सेम ही रहेगा, भुवनेश्वर होते हुए ये वेस्ट बंगाल के मालदा टाउन पहुँचेगी। तो ये तो हमने बताया आपको अमृत भारत ट्रेन के बारे में। इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, आपकी समस्या का सलूशन निकालेंगे, जो भी आपका क्वेरी होगा उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हमारा वीडियो आता है, नया वीडियो आता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।